देखिए, चैलेंज करने में इतना दिन क्यों लगा, ये भी एक सवाल उठता है कि अगर जब चैलेंज ही करना था तो तुरंत चैलेंज करना था। हेमंत सोरेन जी के सीएम बनने के बाद चैलेंज करना, फिर से राज्य को कहीं ना कहीं अधिकारियों को प्रेशर पॉलिटिक्स में धकेलने के बराबर है, वो तो साफ पता चल रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग घेराबंदी करेंगे, सरकार को बेनकाब करेंगे, क्या चीज का बेनकाब करेंगे? बेनकाब तो बीजेपी हो गई, पूरे देश में हो गई। 400 की जगह 240 आ गया, चित्रकूट हार गए, प्रयागराज हार गए, अयोध्या हार गए, तो बेनकाब तो बीजेपी हो गई। दुर्भाग्यपूर्ण है, एक तरफ ढुल्लू मातो जी का भाषा और एक तरफ भानु प्रताप जी का भाषा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग सब कहीं ना कहीं संवैधानिक पद पर हैं और चुने हुए व्यक्ति हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। राजनीति में आदमी पर्सनल संबंध और जो इस देश की रचना है उसको अगर भूल जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी नहीं उठा रही है, निशिकांत दुबे जी उठा रहे हैं। निशिकांत दुबे जी के पास तमाम एजेंसियां हैं जो शायद भारत सरकार के पास नहीं है, उनके बातों को सीरियसली नहीं लिया। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। देखिए, चैलेंज करने में इतना दिन क्यों लगा, ये भी एक सवाल उठता है कि अगर जब चैलेंज ही करना था तो तुरंत चैलेंज करना था। हेमंत सोरेन जी के सीएम बनने के बाद चैलेंज करना, फिर से राज्य को कहीं ना कहीं अधिकारियों को प्रेशर पॉलिटिक्स में धकेलने के बराबर है, वो तो साफ पता चल रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग घेराबंदी करेंगे, सरकार को बेनकाब करेंगे, क्या चीज का बेनकाब करेंगे? बेनकाब तो बीजेपी हो गई, पूरे देश में हो गई। 400 की जगह 240 आ गया, चित्रकूट हार गए, प्रयागराज हार गए, अयोध्या हार गए, तो बेनकाब तो बीजेपी हो गई। दुर्भाग्यपूर्ण है, एक तरफ ढुल्लू मातो जी का भाषा और एक तरफ भानु प्रताप जी का भाषा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग सब कहीं ना कहीं संवैधानिक पद पर हैं और चुने हुए व्यक्ति हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। राजनीति में आदमी पर्सनल संबंध और जो इस देश की रचना है उसको अगर भूल जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी नहीं उठा रही है, निशिकांत दुबे जी उठा रहे हैं। निशिकांत दुबे जी के पास तमाम एजेंसियां हैं जो शायद भारत सरकार के पास नहीं है, उनके बातों को सीरियसली नहीं लिया।